मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित की गई। इससे पूर्व नायब सैनी अपने कार्यालय पहुंचे और कार्यभार संभाला। इसके बाद सभी मंत्रियों को उनके कार्यालय दिए गए। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है। सरकार को प्रदेश के गरीब लोगों ने चुना है, इसलिए राज्य के लोगों के लिए सरकारी अस्पताल में क्रॉनिक किडनी रोगियों को फ्री इलाज की सुविधा दी गई है। नायब सैनी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने झूठ फैलाने का काम किया। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को भ्रमित किया, किसानों को भड़काया और युवाओं को अंधविश्वास में धकेल दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने खिलाड़ियों को भी इस्तेमाल किया, इसलिए जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। नायब सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों का एक एक दाना MSP पर खरीदेंगे। धान की खरीद का रिव्यू किया जाएगा। 17% धान नमी तक MSP पर खरीद होगी। अब तक 23.21 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। 11 लाख मीट्रिक टन धान का उठान हो चुका है। 3056 करोड़ रुपए किसानों को ट्रांसफर किए गए हैं। नायब सैनी ने कहा कि आज से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों में वर्गीकरण पर फैसला लागू किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार युवाओं के जीवन में अंधेरा कर रही थी। कांग्रेस राज में पर्ची खर्ची के साथ नौकरी मिल रही थी। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देना हमारा दायित्व है। कांग्रेस युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी है और अगले 5 साल में हरियाणा का और अधिक विकास होगा। जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा, तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं। क्योंकि डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपये का खर्चा उसका आता है। महीने में कोई 4 भी कराता है, 6 भी कराता है, 7 भी कराता है, लगभग 20,000 से 25,000 रुपये महीने का उसका खर्चा वो आता है। अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है। हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी, ये मैंने सबसे पहले निर्णय लिया है। और उसके तुरंत बाद हमारी कैबिनेट की बैठक थी। हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरे टर्म की सरकार, लगातार मैं हरियाणा प्रदेश के जन का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तीसरे टर्म के अंदर बड़े मैंडेट के साथ, बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी जी की नीतियों के ऊपर मुहर लगाई है। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ईमानदारी से लोगों के हित में काम किए हैं। विपक्ष ने जिस प्रकार का एक वातावरण, एक नैरेटिव सेट किया, मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो नैरेटिव विपक्ष ने खड़ा किया था उसको धराशाही करने का काम हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता ने किया है, उसका जवाब दिया है। क्योंकि हमारा किसान हमारे लिए सम्मानित है, हमारा युवा हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश की नारी हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश का जो गरीब व्यक्ति है उसका सम्मान करना हमारी सरकार का दायित्व है। मुझे खुशी है कि ये सरकार को जो चुना है ये गरीब व्यक्ति के द्वारा चुनी गई सरकार है। ये हमारे प्रदेश के अंदर प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों ने इस सरकार को चुना है। मैं सभी का दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। परंतु इस सरकार के चुनाव में जो भूमिका रही है वो भूमिका
इस प्रदेश के जनमानस की बड़ी भूमिका रही है। मैंने जैसा कहा भी है कि कांग्रेस ने इस प्रकार का नैरेटिव, इस प्रकार का भ्रम लोगों के अंदर खड़ा किया था कि ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, ये सरकार जा रही है, किसानों को भड़काने का काम किया। वो सारा का सारा उनका जो कृत्य थे वो सामने आ रहे हैं, उन्हीं के बीच में से ही लोग उस बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं को अविश्वास में धकेलने का काम कांग्रेस ने किया। हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को भी यूज किया। जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे गौरव हैं, हरियाणा प्रदेश का गौरव है, जो इस देश का भी गौरव है, जो इस देश को सम्मान दिलाने का काम करते हैं, कांग्रेस ने उन खिलाड़ियों को भी यूज किया है। किसान को भी कांग्रेस पार्टी ने भ्रामक स्थिति के अंदर डालने का काम किया है। युवाओं को किस प्रकार से उन्होंने पर्ची खर्ची बांटने के आधार के ऊपर अपनी बातें कही हैं, गरीब को लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी लॉलीपॉप देती रही, उनके हित में जो मजबूत काम पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है वो ऐतिहासिक काम किए हैं। और जब सरकार 10 साल पूर्ण करती है और 10 साल पूर्ण करने के बाद जब हम जनता के बीच में वोट के लिए जाते हैं तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने खुल करके मोदी जी की नीतियों का समर्थन किया है, उनके ऊपर मोहर लगाई है और कांग्रेस के उस नैरेटिव को धराशाही कर किया है। चाहे उन्होंने किसान का मुद्दा उठाया है, चाहे उन्होंने खिलाड़ियों का मुद्दा उठाया है, चाहे उन्होंने गरीब का मुद्दा उठाया है, सभी मुद्दों के ऊपर कांग्रेस के उस नैरेटिव को, क्योंकि ये झूठ का एक प्रोपगंडा खड़ा किया था, उस प्रोपगंडे को 5 तारीख को कमल के बटन के ऊपर मोहर लगा करके हरियाणा के लोगों ने वो जवाब देने का काम किया है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।